Assalamu alaikum students, first year English chapter 15, the angel and the author and others. Jaram ke Jaram, English text and Urdu translation part 2. Students, aap is channel ko subscribe kare, in video lectures par comment kare. Agar ye video lectures aapko achhe lage to inhe apne friends ke saath share kare aur in lectures ki quality ko mazid behtar banane ke liye hame apni ara comments ke through de. My 5 shilling subscription to the Daily Telegraph's 6 penny fund for unemployed. Got that done all right? I asked. Daily Telegraph ke liye, be rozgaron ke liye, 6 penny fund mein mera 5 shilling ka chanda. Isko achhi tarha likh liya hai? Maine pucha. Yes, he answered me. It was entered. Haan, usne jawab diya, isko darj kar liya gaya tha. As a matter of fact, now I come to think of it, I added, it was a 10 shilling altogether. Dar haqeeqat ab mujhe yaad aaya, maine mazid kaha, ye sara 10 shilling tha. They spelled my name wrong the first time. Unhone pehli baar mera naam galat likha tha. Both subscription have been entered, he told me. Dono chande darj kar liye gaye the, usne mujhe bataya. Then I have been to 4 charity dinners, I reminded him. I forgot what the particular charity was about. फिर मैं 4 खैराती खानों में गया था. मैंने उसको याद दिलाया. मैं भूल गया हूँ कि वो मखसूस खाना किस लिए था. I know. I suffered the next morning. मुझे इल्म है. अगले दिन मैं बीमार हो गया था. He interrupted me with the assurance that my attendance had been noted. उसने इस यकीन दहानी के साथ मेरी बात काटी कि मेरी हाजिरी लग गई थी. लास्ट वीक आई सेंट अ डजन फोटोग्राफ्स ऑफ माई सेल्फ साइंड टू अ चैरिटी बाजार. पिछले हफ्ते मैंने एक दर्जन अपनी दस्तखत शुदा तस्वीर खैराती बाजार में भेजी थी. ही सेड दैट ही रिमेम्बर्ड माई डूइंग सो. उसने कहा उसको मेरा ऐसा करना याद था. And of course, you remember my performance of Talbot Champneys in our boys the week before last in aid of the fund for poor curates I went on. और बिला शुबा पिछले हफ्ते से पहले गरीब पादरियों के लिए फंड की खातर आपको ओवर बॉयज में टालबुट चैंपनीज में मेरा किरदार याद है. मैंने बात जारी रखी. I don't know whether you saw the notice in the morning post, but मुझे नहीं पता कि आपने मॉर्निंग पोस्ट में नोटिस देखा. लेकिन ही अगेन इंटरप्टेड मी टू रिमार्क दैट व्हाट द मॉर्निंग पोस्टमैन सेड वुड बी एंटर्ड वन वे और द अदर टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट एंड हैड नथिंग टू डू विद मी. उसने दोबारा ये कहते हुए मेरी बात काटी कि मॉर्निंग पोस्ट ने जो कुछ कहा वो किसी ना किसी तरह मॉर्निंग पोस्ट के नाकद के लिए दर्ज कर लिया गया था और इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था. ऑफ कोर्स नॉट, आई एग्रीड. एंड बिटवीन अवर सेल्व्स आई डोंट थिंक द चैरिटी गॉट वेरी मच. बिला शुबा नहीं, मैंने इत्तेफाक किया और आपस की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि खैरात बहुत अच्छी इकट्ठी हुई. एक्सपेंसिस व्हेन यू कम टू एड रिफ्रेशमेंट्स एंड वन थिंग एंड द अदर माउंट ऑफ. अखराजात जब आप तफरीहात और मुख्तलिफ चीज़ें जमा करते हैं बढ़ जाते हैं. बट आई फैंसी देर अदर लाइक्ड माई टालबुट चैंपनीज. लेकिन मुझे लगता है कि उनको मेरा टालबुट चैंपनीज का किरदार अच्छा लगा. ही रिप्लाइड दैट ही हैड बीन प्रेजेंट एट द परफॉर्मेंस एंड मेड हिज ओन रिपोर्ट. उसने जवाब दिया कि वो कारकर्दगी में मौजूद था और उसने अपनी रिपोर्ट बनाई थी. I also remember of 4 balcony seats I had taken for the monster show at His Majesty's in aid of the fund for the destitute British in Johannesburg. मुझे वो 4 बलाई नशस्तें भी याद थीं जो मैंने जोहान्सबर्ग में लावारस लोगों के लिए अमदादी फंड की खातर His Majesty थिएटर में खरीदी थी. Not all the celebrated actors and actresses announced on the posters had appeared, but all had sent letters full of kindly wishes. All the celebrities one had never heard of had turned up to a man.
सारे मशहूर अदाकार और अदाकार हैं जिनका पोस्टों पर ऐलान किया गया था नहीं आए थे, लेकिन सब ने नेक तमन्नाओं से भरे खत भेजे थे। सारे मशहूर लोग जिनका कभी किसी ने सुना भी नहीं था इकट्ठे होकर आ गए थे। स्टिल ऑन द होल द शो वॉज वेल वर्थ द मनी। इसके बावजूद मजमू तौर पर शो ने पैसे पूरे कर दिए थे। देयर वॉज नथिंग टू ग्रम्बल एट। बुरा मनाने के लिए कुछ नहीं था। देयर वर अदर नोबल डीड्स ऑफ माइन। मेरे और भी नेक काम थे। आई कुड नॉट रिमेंबर देम एट द टाइम इन देयर इंटायरिटी। इस वक्त मैं उनको मुकम्मल तौर पर याद नहीं कर सकता था। आई सीम टू हैव डन अ गुड मैनी। ऐसे लगता था कि मैंने बहुत से किए थे। बट आई डिड रिमेंबर रमेज सेल टू विच आई सेंट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स इंक्लूडिंग अ कोट दैट हैड गॉट मिक्सड अप विद दैम बाई एक्सीडेंट एंड दैट आई बिलीव आई कुड हैव वॉर्न अगेन। लेकिन मुझे मुतफर्रक सेल याद थी जिसमें मैंने अपने सारे पुराने कपड़े भेज दिए थे, जिनमें एक कोट भी शामिल था जो इतफाकन उनमें शामिल हो गया था और जो कि मुझे यकीन है कि मैं दोबारा पहन सकता था। एंड ऑल्सो द रैफल आई हैड ज्वाइंड फॉर अ मोटर कार। और वो लॉटरी जिसमें मैंने एक कार की खातिर शिरकत की थी। द एंजल सेड आई रियली नीड नॉट टू बी अलार्म्ड दैट एवरीथिंग हैड बीन नोटेड टुगेदर विद अदर मैटर्स आई मे हैव फॉरगॉटन। फरिश्ते ने कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं थी कि दूसरी सारी चीजों के साथ जो हो सकता है मैं भूल गया हूं, हर चीज दर्ज कर ली गई थी। द एंजल अपीयर्स टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक। ऐसे लगता है कि फरिश्ते से छोटी सी गलती हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। आई वंस मोर रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट दीज वीडियो लेक्चर्स। इफ यू लाइक दीज वीडियो लेक्चर्स, शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियो लेक्चर्स फॉर यू that you may not have to go out in order to revise your lessons and you sit at your home and save your money and time. Allah Hafiz.